हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम मिड जी में। इस वीडियो में हम देखेंगे 1 से लेकर 10 जनवरी तक का करंट अफेयर, और जो कि आपके आईएएस के लिए एक तरह से ये लाभकारी नहीं होगा बिल्कुल भी। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, लेकिन जो पीसीएस और वनडे एग्जाम, एसएससी वगैरह, रेलवे, बैंक वगैरह, पीओ वगैरह के एग्जाम देते हैं वो इस वीडियो को देखें जरूर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 27 से 29 सितंबर में भारतीय मोबाइल कांग्रेस किस शहर में आयोजित होगा? तो ये भारतीय मोबाइल कांग्रेस के नाम से एक सम्मेलन होगा, ये आपका दिल्ली में होगा, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रतिष्ठित आईईएन माला मुद पुरस्कार किस लेखिका को प्रदान किया गया है? तो ये झुंपा लाहिड़ी को प्रदान किया गया है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखें। ये पीसीएस यूपी पीसीएस में आ सकता है इस साल के। नेक्स्ट आपका, किस देश के विदेश मंत्री को 193 सदस्यों की यूएन महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं आपके स्लोवाकिया के हैं ये। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य के रूप में जैन समुदाय से पहला व्यक्ति किन्हें चुना गया है? ये आपके सुनील सिंघी को, तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका, किस भारतीय मंत्री को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके जगत प्रकाश नड्डा को सम्मानित किया गया है, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 एकड़ क्षेत्र में विस्तृत भारत का पहला फ्रेड विलेज किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये वाराणसी में स्थापित किया जाएगा, ध्यान में रखें थोड़ा सा इसे। किसे प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये एसएससी बैंक वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है, शशि शेखर वेमपति को। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, तो ये किसने किया है? बी अशोक ने। रमजीत मान को किस देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्लोवानिया का राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से, परमजीत मान को। इस वाणिज्यिक बैंक ने व्यापक संपर्क कार्यक्रम स्टार महोत्सव आरंभ किया है? तो ये आपका बैंक ऑफ इंडिया ने, BOI, तो इसे ध्यान में रखें। जो बैंक पीओ का दे रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बिल्कुल। भारतवंशी डॉक्टर लियो वरदकर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं आयरलैंड के। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो द्वारा भारत का सबसे भारी रॉकेट जो लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका GSLV Mark 3, इम्पोर्टेंट है ये, अभी भी लॉन्च हुआ था, पता होगा आपको, लेकिन ये थोड़ा सा फैक्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेटो आप जानते ही हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के 29वें सदस्य देश कौन है एक तरह से? तो मॉन्टेनेग्रो है ये, इस नाम को आप ध्यान में रखें, 29वां देश जो है मॉन्टेनेग्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने असहाय एकल महिला पेंशन योजना, इस पेंशन योजना को ध्यान में रखें, असहाय एकल महिला पेंशन योजना, तो ये कहां की है? तेलंगाना की, इंपोर्टेंट है ये, आएगा बिल्कुल पीसीएस 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस बैंक ने विश्व पर्यावरण दिवस पर बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड कार्ड देना प्रारंभ किया है? तो ये किया आपका एक्सिस बैंक ने। और बायोडिग्रेडेबल प्रीपेड कार्ड वो होते हैं जो एक तरह से पर्यावरण के अंतर्गत एक तरह जल्दी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे प्लास्टिक कार्ड जो होगा तो प्लास्टिक उसकी खराब नहीं होती है तो वो डिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि वातावरण में जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे जिनसे पर्यावरण को हानि नहीं होगी। तो ये पहल जो की है एक्सिस बैंक ने की है, बैंक पीओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। विश्व महासागर दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 जून को, अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन में हुए चुनाव में कौन ब्रिटेन की पहली महिला सिख सांसद चुनी गई हैं? तो ये चुनी गई हैं प्रीति गिल। इस प्रकार से व्यक्तिगत जो क्वेश्चन है वो भी आ जाते हैं, आपने देखे होंगे एग्जाम में। हाल ही में वासुदेव चटर्जी का निधन हो गया, वे कौन थे? वे एक इतिहासकार थे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं करंट से जुड़े हुए, जो फेमस होते हैं वासुदेव चटर्जी, इतिहासकार, ध्यान में रखें।
जून 2017 के मध्य आठवीं स्वच्छ ऊर्जा एवं द्वितीय मिशन इनोवेशन मंत्री स्तरीय जो बैठक संपन्न हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी आपकी टोक्यो में। ये कई देशों की मंत्री स्तरीय बैठक थी जो कि आठवीं स्वच्छ ऊर्जा और द्वितीय मिशन इनोवेशन के नाम से एक तरह से थी, ये टोक्यो में थी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जिन्हें आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर विजिट करते रहें, www.upsc11.com। इस पर आप सबको करंट से रिलेटिव जो भी विश्लेषणात्मक चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आप विजिट करते रहें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें। और जिन्होंने पुराने वीडियो देखे हैं आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख लें, करंट के भी आ चुके हैं जो आईएएस की तैयारी से संबंधित हैं वो भी आ चुके हैं, जो इस बार देने जा रहे हैं उनके लिए भी जो टेस्ट सीरीज है उसके वीडियो आ चुके हैं, देख लें उन्हें। तो देखते रहें एग्जाम मेडी जी, धन्यवाद।